समूह को बेसहारा करके चले गए सुब्रत रॉय को आज लखनऊ में आखिरी विदाई दी जाएगी। बुधवार शाम करीब 5 बजे उनका पार्थिव शरीर सहारा शहर लाया गया था। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह 10 बजे सहारा शहर से उनकी शव यात्रा निकलेगी। उसके बाद दोपहर 12:30 बजे लखनऊ के भैंसाकुंड में बने बैकुंठ धाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बुधवार सुबह से ही सहारा शहर के बाहर कंपनी के कर्मचारियों और समर्थकों की भीड़ जुटने लगी थी। शाम करीब 5:08 पर जब गाड़ियों का काफिला सुब्रत रॉय का पार्थिव शरीर लेकर सहारा शहर के गेट पर पहुंचा, तो उनके चाहने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। कुछ पल के लिए मानो सन्नाटा पसर गया, लेकिन थोड़ी ही देर में सहारा श्री अमर रहे के नारे गूंजने लगे। इसके बाद वाहनों का काफिला सहारा शहर के अंदर चला गया। अंदर सिर्फ सहारा के कर्मचारियों को ही एंट्री अलाउड थी। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई नेताओं ने उनके दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी अखिलेश यादव समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेता सोशल साइट एक्स पर भी सहारा कंपनी के संस्थापक के निधन पर गहरा शोक जता चुके हैं। बता दें कि सुब्रत रॉय का मंगलवार रात 10:30 बजे निधन हुआ था। मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। काफी वक्त से वो गंभीर बीमारी से परेशान थे। जब वो इस दुनिया में आखिरी सांसें गिन रहे थे, तब उन्हें अपने परिवार वालों का साथ नसीब ना हुआ, लेकिन इस दुनिया से उन्हें रुखसत करने के लिए उनके चाहने वालों का तांता लगा हुआ है। उनके समर्थक उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।